हार्डवेयर ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या हैं। हार्डवेयर, आप पहले लेसन यानी कंप्यूटर बेसिक्स में जान चुके हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर वो चीजें हैं जिन्हें या तो आप छू सकते हैं या पकड़ सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह। आइए इस सिलसिले में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि एक डब्बे की मानिंद नजर आ रहा है, असल में बड़ी मुफीद चीज है। इसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर का हर वो हिस्सा लगा होता है जो उसको चलाता है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को मुख्तलिफ फैसिलिटीज या सहूलियात फराहम करता है। इसको कंप्यूटर की केसिंग या कवरिंग भी कहते हैं। इसे केसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्सों को ढांप कर रखता है और उन्हें हर किस्म के बैरूनी दबाव से बचाता है। आइए हम सिस्टम यूनिट को कुछ तफसील से देखते हैं। ये एक आम सिस्टम यूनिट है जो किसी भी सतह पर आसानी से खड़ा किया जा सकता है। ऐसे सिस्टम यूनिट की केसिंग को टावर केसिंग कहते हैं। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर की केसिंग इससे मुख्तलिफ हो और इसमें लगी हुई चीजों की जगह भी मुख्तलिफ हो। सिस्टम यूनिट की सामने वाली साइड पर आपको ये कुछ पोर्ट्स, लाइट्स और बटन्स नजर आ रहे हैं। सिस्टम यूनिट पर लगे मुख्तलिफ बटन्स में से ये बटन पावर बटन कहलाता है। इस बटन की मदद से कंप्यूटर को ऑन या ऑफ किया जाता है। इसको ऑन करने के लिए इस बटन को उंगली से दबाते हैं। देखिए, अब ये कंप्यूटर ऑन हो रहा है। सिस्टम यूनिट पर लगी हुई लाइट्स ये बात जाहिर करती हैं कि कंप्यूटर चल रहा है या नहीं, और चल रहा है तो इस पर कोई काम हो रहा है या नहीं। ये एक डीवीडी ड्राइव है। डीवीडी रोम सिस्टम यूनिट के इस हिस्से में डालकर इस्तेमाल की जाती है। डीवीडी रोम के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। इसके नीचे लगे हुए छोटे से बटन को दबाने से इस ड्राइव का ट्रे बाहर आ जाता है। सीडी या डीवीडी को डीवीडी ड्राइव की ट्रे पर इस तरह रखा जाता है और दोबारा इसी बटन को दबाने से डीवीडी ड्राइव के अंदर इंसर्ट हो जाती है। डीवीडी को ड्राइव से बाहर निकालने के लिए भी यही बटन दबाया जाता है। इसको दबाने से ट्रे बाहर आ जाता है और हम डीवीडी उठाकर बटन दोबारा दबा देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यूएसबी डिस्क या फ्लैश डिस्क भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। इसे भी इस्तेमाल के लिए सिस्टम यूनिट के मुख्तस हिस्सों में लगाया जाता है, जिसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। इस वक्त आप सिस्टम यूनिट की बैरूनी साइड पिछली तरफ से देख रहे हैं। जिस तरह टीवी और दीगर बिजली से चलने वाली अशिया को बिजली के सॉकेट्स में लगाया जाता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। लिहाजा सबसे पहला सॉकेट जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो कंप्यूटर को बिजली फराहम करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसको पावर कनेक्टर कहते हैं। वो तार या केबल जिसके जरिए कंप्यूटर को बिजली फराहम की जाती है, इसको पावर केबल कहते हैं। इस केबल का प्लग बिजली के स्विच बोर्ड में लगाते हैं। इस केबल का दूसरा सिरा कंप्यूटर में इस तरह लगता है। जिस तरह सिस्टम यूनिट को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, इसी तरह मॉनिटर को चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। इसके लिए भी पावर केबल इस्तेमाल की जाती है। अब आप जो पोर्ट देख रहे हैं इसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मसलन वेबकैम, स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ कंप्यूटर्स में ये कंप्यूटर की अगली और पिछली दोनों साइड्स पर होती हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर्स में माउस और कीबोर्ड की पिन इस तरह की भी होती है। कुछ कीबोर्ड या माउस को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। माउस की पिन को इसमें लगाने से कंप्यूटर माउस के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसे इस तरह लगाते हैं।
ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं इसको सीरियल पोर्ट कहते हैं। इसे गौर से देखें तो इसमें आपको 9 पिन्स नजर आएंगी। यहाँ पर भी स्कैनर और माउस वगैरह लगाए जाते हैं। ये पोर्ट पैरेलल पोर्ट कहलाती है। इसमें 25 होल्स होते हैं। इस पोर्ट में कुछ तरह के प्रिंटर लगाए जाते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली इन पोर्ट्स से आप जरूर वाकिफ होंगे। ये वही पोर्ट्स हैं जो आप कैसेट प्लेयर या रेडियो पर देखते हैं। बास दफा ये कंप्यूटर्स की अगली साइट में भी दी गई होती हैं। इनको पिन सॉकेट्स कहा जाता है और कैसेट प्लेयर की तरह कंप्यूटर में भी ये स्पीकर्स या माइक्रोफोन्स लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बास स्पीकर यूएसबी पोर्ट के जरिए भी सिस्टम के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। इस वक्त आप जो पोर्ट देख रहे हैं ये भी एक पैरेलल पोर्ट है। इसमें मॉनिटर की वायर कनेक्ट की जाती है। हमने अब तक सिस्टम यूनिट के बैरूनी हिस्से के मुतालिक सीखा है। चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज कर लें। हार्डवेयर एक्सरसाइज 1। इस वक्त आपको सिस्टम यूनिट की अगली साइट नजर आ रही है। आपको हिदायत के मुताबिक इस साइट के मुख्तलिफ पार्ट्स की निशानदही करनी है। निशानदही करने के लिए अपने माउस को इस जगह ले जाकर क्लिक करें। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो बटन इस्तेमाल होता है उसकी निशानदही करें। डीवीडी रोम कहाँ इंसर्ट की जाती है? स्पीकर को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट की निशानदही करें। फ्लैश ड्राइव कहाँ लगाई जाती है? शाबाश, आपने सिस्टम यूनिट की अगली साइट पर लगे मुख्तलिफ हिस्सों को बखूबी पहचान लिया है। हार्डवेयर एक्सरसाइज 2। अब हम हार्डवेयर की दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। अब आप स्क्रीन पर सिस्टम यूनिट की पिछली साइट देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको कुछ कनेक्टर नजर आ रहे हैं। आपने हिदायत के मुताबिक इन कनेक्टर्स को ड्रैग करके इनकी दुरुस्त पोर्ट्स में लगाना है। सबसे पहले आप मॉनिटर के कनेक्टर को सिस्टम यूनिट में लगी मॉनिटर की पोर्ट में लगाएं। अब आप माउस की पिन को सिस्टम यूनिट में उसकी मुकर्ररा जगह पर लगाएं। अब आप कीबोर्ड की पिन को भी सिस्टम यूनिट के साथ अटैच कर लें। तो चलें फिर प्रिंटर को सिस्टम यूनिट में उसकी मुकर्ररा जगह पर लगाएं। जी जनाब, उम्मीद है आपने सिस्टम यूनिट की पोर्ट्स और कनेक्टर्स को पहचान लिया होगा। अभी तक आपने सिस्टम यूनिट के बैरूनी हिस्से को जाना है। आइए अब हम इसके अंदरूनी हिस्से को भी देखते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर जहां हार्ड ड्राइव और डीवीडी रोम लगाई जाती है इस हिस्से को ड्राइव बे कहते हैं। अगर आप सिस्टम यूनिट के आखिरी हिस्से में देखें तो आपको एक छोटा सा डब्बा नजर आएगा। इस डब्बे को पावर सप्लाई कहते हैं क्योंकि इसके जरिए कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को बिजली फराहम की जाती है। आप देख रहे हैं कि पावर सप्लाई से निकलकर कुछ तारें एक बड़े से बोर्ड की तरफ जा रही हैं। ये तारें कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को बिजली फराहम करती हैं। हर डिवाइस के साथ कुछ तारें लगी होती हैं। ये तारें सिस्टम यूनिट में लगे हुए एक बड़े से बोर्ड में जाकर लगती हैं। इस बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। इसे मदरबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ताल्लुक कायम रखने का काम करता है। मदरबोर्ड पर मौजूद इन मकामात को स्लॉट्स कहा जाता है। मदरबोर्ड में ही आपको छोटे छोटे बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। इन बोर्ड्स को इंटरफेस कार्ड्स का नाम दिया जाता है। इनको मदरबोर्ड के स्लॉट्स में लगाया जाता है और जरूरत ना होने पर निकाला भी जा सकता है। कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट के बाहर जो डिवाइसेस लगती हैं उनसे काम लेने या कम्युनिकेट करने के लिए ये इंटरफेस कार्ड्स ही इस्तेमाल होते हैं। मसलन आप जानते हैं कि हम आवाज सुनने के लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर जो कार्ड स्पीकर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे साउंड कार्ड कहते हैं। इसी तरह जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नेटवर्क बन गया है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जिस इंटरफेस कार्ड की जरूरत होती है उसे नेटवर्क कार्ड कहते हैं। अब आप मदरबोर्ड पर लगी जिस डिवाइस को देख रहे हैं वो प्रोसेसर कहलाती है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जिस तरह इंसान का दिमाग उसके तमाम अफाल को कंट्रोल करता है,
इसी तरह कंप्यूटर में होने वाले हर काम के लिए हिदायत सिस्टम यूनिट में लगा ये प्रोसेसर ही फ्राहम करता है। प्रोसेसर के ऊपर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है जो प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर इस्तेमाल होता है तो प्रोसेसर गर्म होता रहता है और अगर इसे ठंडा ना किया जाए तो ये खराब हो सकता है। रैम चिप्स, जिसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, ये भी मदरबोर्ड पर ही लगती हैं। मदरबोर्ड पर जिस जगह रैम चिप लगाई जाती है इसे रैम की स्लॉट्स कहते हैं। आपने सिस्टम यूनिट के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ देखा। इससे पहले हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर किस तरह काम करती हैं। आप कंप्यूटर को जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले मेमोरी में जाकर टेम्परेरीली स्टोर होता है, फिर ये डेटा मेमोरी से प्रोसेसर में जाता है और प्रोसेसिंग होती है, फिर जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं और साथ ही आउटपुट डिवाइसेस के जरिए डिस्प्ले होते हैं, और साथ ही अगर हम चाहें तो किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी डिस्क वगैरह पर स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह हम कंप्यूटर से बहुत से मुफीद काम ले सकते हैं। समरी। इस लेसन में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के दीगर अहम हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की, मसलन सिस्टम यूनिट और इसके सामने लगी लाइट्स और बटन्स। फिर हमने देखा कि सिस्टम यूनिट के पीछे कौन कौन सी मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं, जिसमें सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, यूएसबी और कुछ पिन सॉकेट्स शामिल हैं। इसके बाद हमने देखा कि ड्राइव बे क्या होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी लगती हैं। आपने सिस्टम यूनिट के अंदर लगी पावर सप्लाई को देखा, फिर आपने मदर पोर्ट और उस पर लगी दूसरी चीजें, कार्ड्स, स्लॉट्स, रैम स्लॉट्स, प्रोसेसर और उस पर लगे फैन को देखा।